इस वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बना। इस वीडियो में आपको ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन के बारे में बता रही हूँ। तो देखिए ये ब्लाउज कट कर लिया है, ये ब्लाउज है और ये इसका अस्तर है, ड्राफ्ट अस्तर पर कर लेते हैं। देखिए ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच ली है और ये मैं 34 का बना रही हूँ, मैंने 10.5 इंच लिया है। तैयार करूँगी तो 8.5 इंच आएगा, 2 इंच का मार्जिन है। तो देखिए ये 2 इंच का मार्जिन है और इसके जो मुड्डे लिए हैं वो मैंने 5.5 इंच लिए हैं और शोल्डर 5 इंच लिया है। अभी नेक ड्रॉ करते हैं तो देखिए शोल्डर से 2.5 इंच ले लेंगे और लंबाई जो मैं लूँगी आप उससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप अगर डीप पहनते हैं तो उसको डीप रख सकते हैं, अगर ऊपर पहनते हैं तो आप उसको ऊपर रख सकते हैं। जैसे मैं इसमें डिजाइन भी देने वाली हूँ तो मैंने इसको 11 इंच ले लिया है। 11 इंच पे इस तरीके का बॉक्स बना देंगे। देखिए बॉक्स बना दिया है, अभी हम शेप दे देते हैं। तो देखिए शोल्डर से सेम रहेगा, नीचे से हल्का सा ब्रॉड कर लेंगे इस तरीके से और अभी हम यहाँ पे एक और थोड़ा सा ब्रॉड करना चाहें तो और भी कर सकते हैं और यहाँ से इस तरीके से शेप आ जाएगी इसकी। तो इसका ड्राफ्ट जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा, सेम ड्राफ्ट पकड़ करेंगे। तो देखिए मैंने कट कर लिया है, अभी इसी ड्राफ्ट को रख के कैनवास कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने कैनवास ले लिया है, इसको डबल फोल्ड कर दिया है, अंदर का सेम रहेगा, बाहर हम 1 इंच ले लेंगे इसकी चौड़ाई जो है कैनवास की। इस तरीके से फोल्ड करके और कटिंग करते हैं। अभी देखिए कैनवास मैंने कट कर लिया है, सिलने का तरीका बता रही हूँ। नीचे सीधा ब्लाउज रख लिया, इसके ऊपर अस्तर रख दिया, उसके ऊपर कैनवास। अब यहाँ से लेके हम पूरे नेक की शेप में स्टिच कर देंगे, इस पार्ट को कट कर देंगे और फिर इसको पलट देंगे। पलटने के बाद फिर इसमें जो डिज़ाइन देने वाले हैं उसके बारे में बताते हैं। देखिए मैंने ब्रोकेट का कपड़ा ले लिया है, इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है और छोटे टुकड़े हैं उसमें से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इस तरीके से इसको फोल्ड करके किनारे पे स्लाइड करके इसको पलट दूंगी तो ये लंबी पट्टी तैयार हो जाएगी। इसमें से पीस कट करके डिजाइन देते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया था मैंने इसको स्टिच कर लिया है, नेक को कट कर दिया है, कमर में भी स्टिच डाल दिया है, इसको पलट देते हैं। अभी इसको स्लाइड डाल के फिनिशिंग दे देते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसकी फिनिशिंग दे दी, अभी हम प्लेट डाल देते हैं। तो देखिए ये ब्लाउज हमारा तैयार हो चुका है, प्लेट भी डाल दी है, फिनिशिंग भी दे दी है। जो मैंने कपड़ा लिया था उसको मैंने स्टिच करके पलट दिया है और इस तरीके की ये चौड़ी वाली पट्टी तैयार हो गई है। और इसकी जो लंबाई है जो ली है मैंने, साइज बता देती हूँ। देखिए 2.5 इंच के आसपास इसकी लंबाई ली है मैंने पीस की और इस पीस को हम इस तरीके से रख लेंगे और सेम कलर का धागा ले लेंगे और बीच में से हम धागे को निकालेंगे इसके में से और यहाँ से बड़ी बड़ी सिलाई डाल के इसकी एक बटरफ्लाई तैयार कर लेंगे और यहाँ पे एक मोती स्टिच कर देते हैं। मैंने ये गोल्डन मोती ले लिया है और मोती को हम यहाँ पे इसकी फिनिशिंग दे देंगे और यहाँ पे पीछे हम इसको नॉट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके की ये बटरफ्लाई हमारी तैयार, इसी तरह सारी बटरफ्लाई तैयार कर लूँगी। अभी हम मार्किंग कर लेते हैं, ब्लाउज को बीच में से फोल्ड कर देते हैं। तो देखिए पेपर को मैंने इस तरीके से रख लिया है, इधर बंद हिस्सा है इधर खुला हिस्सा है और इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अभी हम यहाँ पे ये तो हमारा अंदर का मार्जिन शेप रहेगी जो कि यहाँ पे आएगी। अभी हम इसकी जो हमने ये पीस लिया है तो 1 इंच डिजाइन हम इसमें डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 1 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, 1 से 1.5 इंच आप इसमें ले सकते हैं। अब इसी शेप में हम यहाँ पे इसकी डिज़ाइन कर देंगे। तो देखिए ये वाली शेप आएगी। अब इस ड्राफ्ट को हम कट कर लेते हैं और इसकी जो देखिए यहाँ तक है और अंदर हमारा मार्जिन रहेगा, यहाँ पे भी मार्किंग कर लेंगे। ये जो ड्राफ्ट है ये इस तरीके से आएगा। मैंने 2 पेपर इसलिए ले लिए हैं क्योंकि पेपर मजबूत रहेगा, कब फटेगा नहीं जब हम मशीन पर सिलाई डालेंगे। तो इस तरीके से ये डबल पेपर को हम रख लेंगे यहाँ पर। डबल पेपर को रखने के बाद अभी जो हमने ये बटरफ्लाई बनाई है इन बटरफ्लाई को यहाँ पर स्टिच करते जाएंगे लाइन। देखिए ये पीस मैंने सभी तैयार कर लिए हैं और अभी अटैच करते हैं। देखिए ये स्टिच हो चुका है और मैंने सेम ब्लाउज का कपड़ा ये क्रॉस में पट्टी कट कर लिया है 1.5 इंच चौड़ी। इस पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड कर दूंगी और पेपर को उल्टा रख देंगे और यहाँ से हम स्टिचिंग डालना स्टार्ट करते हैं।
देखिए इसको मैंने खोल दिया है और अभी जो ये ड्राफ्ट है इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे और पहले इसको पिनअप कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये अटैच हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे लेस लगाने वाले हैं तो लेस के साथ ही इसमें स्टिच डाल देंगे। देखिए मैंने ये लेस ली है, अब इस लेस को हम जो स्ट्रेट पार्ट है यहाँ से यहाँ तक अटैच करेंगे और सेम दूसरी साइड में भी। तो देखिए लेस मैंने यहाँ पे डबल स्टिच डाल दिया है और देखिए एक कमर में भी मैंने एक लेस स्टिच कर दी। तो आप देख रहे हैं इसका जो डिज़ाइन है कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे हमारी ये लेस आ रही है और यहाँ पे ही हमारी फ्रिल वाली जैसी लेस आ रही है। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है जो ये फूंदने वाली लेस है और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी बटरफ्लाई की डिज़ाइन आ रही है। तो काफ़ी अच्छी शेप आ रही है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन दिख रही है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी डिज़ाइन बना सकते हैं ब्लाउज। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।